जैसे ही रूम से बाहर निकल रहे हैं, बारिश वारिश हो रहा है, एक झलक के लिए लग रहा है वहाँ पे कोई था, फिर वहाँ से गायब। ओ भाई साहब, अब क्या है नहीं है भगवान। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं गाइस बहुत अच्छे होंगे, और गाइस हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज है मंगलवार, लेकिन गाइस आज बहुत ज़्यादा ही बिजी डे था। आज अभी गाइस रात के 9 बज रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले गाइस हम लोग ऑफिस से, आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए ऑफिस में, वर्क लोड थोड़ा ज़्यादा था। तो गाइस भाभी जी आज शाम को कुछ कुछ बनाए थे हम लोगों के लिए, लेकिन गाइस सब पे पानी फिर गया क्योंकि हम लोग टाइम पे आ ही नहीं पाए। लेकिन गाइस अभी चलते हैं और अभी जो जो भाभी जी बनाए देखते हैं और खाते क्या क्या बनाए। वैसे आज बनाए बहुत अच्छा चीज़ है गाइस, बहुत लोगों का फेवरेट होता है और मेरा भी फेवरेट ही गाइस। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, अभी जो हम लोग का शाम का नाश्ता था उसके साथ साथ हम लोग अपना रात का डिनर करने बैठ गए क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट आए हैं। तो ये देखिए भैया इधर खा रहे हैं, और आज भाभी चूड़ा फ्राई किए थे और साथ में ये चना का घुगनी, बिहार में बहुत फेमस है गाइस, घुगनी बोलते हैं इसको। तो और जो सुबह आम काटा था मैंने, देखिए उसका बना है गुड़म्मा। कलर दिख रहे हैं, मतलब क्या मस्त दिख रहा है। गुड़ और आम वगैरह डाल के बनाया जाता है बहुत ज़्यादा इस मौसम में। तो गाइस आम के सीज़न में तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो चलिए फिलहाल अभी भाभी खाना सर्व कर चुकी है, तो फटाफट खाते हैं। तो आम गुड़म्मा कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है खाने में? तो चलिए गाइज हम लोग भी खाना खाते फटाफट। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं गाइज बहुत अच्छे होंगे, और गाइज यहाँ हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फिलहाल गाइज अभी फिलहाल कुछ दिनों से ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज सुबह टाइम नहीं मिल पाता, आंखें जल्दी खुल नहीं पाती क्योंकि गर्मी में बहुत लेट टिक तो रात को नींद आती है और सुबह जल्दी नींद खुल ही नहीं पाती। लेकिन गाइज अब सोच रहा हूँ कल से थोड़ा जल्दी उठूँ। तो फिलहाल गाइज अभी जो शाम को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया अभी, और अभी गाइज शाम के बज रहे हैं 7:30। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले, मतलब तकरीबन 15-20 मिनट पहले ऑफिस से आए। तो आने के बाद गाइज आज कल तो लेट गया था काफ़ी, तो भाभी जो कुछ कुछ बना करके थे वो तो हम लोग कल शाम के स्नैक्स और रात का डिनर एक ही साथ किया था हमने। लेकिन गाइज आज अभी आ गए हैं बढ़िया, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल भाभी जी बना करके कुछ कुछ खाने के लिए। तो चलिए भी देखते हैं क्या बना है और खाते हैं। तो ये देखिए गाइज आज भाभी जी बनाए हैं। तो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और अभी गाइज देखिए हम लोग निकले हैं बाहर टहलने के लिए। तो गाइज अभी मैं आदि, तो भैया भाभी लोग भी हमको आगे दिखाऊंगा अभी। तो गाइज देखिए नाइट का भी बिल्कुल खाली हमारा ये सोसाइटी का रोड, और हम लोग दो काम करने जा गए, एक तो टहल भी लेंगे और साथ में कूड़ा है कूड़ा भी फेंक देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज देखिए भैया इधर क्या ठीक कर रहे थे? अच्छा भाभी पायल वायल पहन के आए ना, पैजामा फंस जा रहा होगा पायल इस चक्कर में, क्या कूड़ा सड़ गया? कोई बात नहीं। और देखिए रात के 12 बजे हम लोग आ गए यहाँ पे मदर डेयरी का आइसक्रीम खाने के लिए। ऐसे गाइज हफ्ते में 2-3 बार तो आते ही हैं। तो भाभी आज का प्रोड्यूसर कौन है हम लोग का आइसक्रीम का? भैया आज का प्रोड्यूसर आप है? ये भैया गाइज बहुत दिन से लगाते नहीं, पहले भाभी भी थे हम लोग प्रोड्यूसर। क्या अगर आपका ये वाला भाग अच्छा है तो आप इधर से खा सकते हैं। हाँ, और जैसे मेरा इधर टूटा हुआ है तो भैया उधर से खाएंगे, तो हम इधर से पकड़ेंगे इधर से खाएंगे। देखो ये लॉजिक सोच के हंस रहे हैं आई। तो चलिए गाइस ये मेरा आइसक्रीम। ओ भाई सब दिख भी आप दिख रहा। तो आदि आपको किसका हैवमोर का ज्यादा अच्छा लगता है कि मदर डेयरी का? हैवमोर हमको मदर डेयरी ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग बाहर से टहल के अभी आ चुके अपने घर के पास, तो मज़ा आ गया गाइस। हवा तो बिल्कुल नहीं था लेकिन आइसक्रीम खा के मज़ा आ गया। तो अभी चलते हैं घर के अंदर। पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा टहल लिया हम लोग आज, तो इसलिए गाइस क्योंकि क्या है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सुबह वॉक पे भी हम लोग सोच रहे जाने का। तो क्या होता है कि सुबह टाइम नहीं मिल पाता, तो कुछ कुछ सब्जी वब्जी का जो कटिंग है वो अभी मैं कर देता हूँ, तो सुबह थोड़ा सा आसानी हो जाता है, फटाफट से खाना बन जाता है। और गाइस कुछ कुछ सब्जी ऐसा है कि जिसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छीलो काटो, तो इस चक्कर में और भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी आज तोरी आया है गाइस घर में, कल ही आया था मंगल बाजार से। तो तोरी मतलब नेनुआ घिवरा, उसको हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है सब्जी को। तो उसको कटिंग करना, उसको गाइस काटने में बहुत समय लगता है, पहले छीलने में फिर काटने में, तो इसीलिए। तो चलिए सब्जी कटिंग करके फिर मिलते हैं आपसे। गाइस अभी आदि आ चुके हैं, तो चलिए थोड़ी देर यहीं बैठते हैं
और गाइज आदि से बिल्कुल आज थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, तो अभी आदि को बुलाया है, आते हैं और उनसे पूछेंगे अभी। गाइज एक्चुअली हम लोग परसों तीनों, मतलब मैं भाभी और आदि तीनों, मतलब बोलने वाले तीनों लोग गए थे वॉक पे, तो कल और आज नहीं जा पाए, तो इस चक्कर में पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द है। क्या आदि कल और आज नहीं जा पाए? परसों गए थे, कल और आज नहीं, दिन गए हैं। हाँ वही, मतलब इससे पता जैसे लग रहा है कि डेली, हाँ डेली जा रहे हैं, कल और आज नहीं जा पाए। तो आदि एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा, आपसे पूछे, पूछ ले। तो भूत प्रेत पे बिलीव करते हैं? कर लेते हैं थोड़ा बहुत। नहीं मजाक नहीं, सीरियसली बिलीव कैसे? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि डर और लगा हो कभी ऐसा? बहुत बार डर है, डरते रहते बराबरी। कैसे? तो कोई बताइए स्टोरी, बताइए, इसीलिए तो आपसे मतलब आज हम आपको बैठाए हैं पर्सनली पूछने के लिए यही सब चीज़। अब बताइए ऐसे मेरा मन में एक बैग से ऐसा बात क्यों आ गया? नहीं नहीं, आज हम पार्क में गए तो साला अंधेरा जो दिखा अजीब सा, हमको लगा अरे साला पार्क में नहीं निकल लो हाथ पर बचा कर, डरे नहीं मतलब, अच्छा मतलब अजीब सा लग रहा था वो अंधेरा में। सरवारी में थे, ठीक है, वो दिन पहले का बात है, लगभग 2017-18 का बात था, 17 का बात। हम वकील भैया, मेरे बुआ का लड़का, हम वकील भैया और एक लड़का था उनका दोस्त, तीनों आदमी जा रहे थे। उनका घर है रेलवे स्टेशन, मतलब बिल्कुल घर से 1 किलोमीटर दूर, तो घर से स्टेशन जा रहे थे पटरी पटरी होते हुए। तो क्या हुआ, ये टाइम बता रहे आपको लगभग 11:30 लोग जा रहे थे, किसी को लाने जा रहे थे, पटरी पे जा रहे हैं, जब स्टेशन पहुँच, मतलब समझिए 500 मीटर चल लिए हैं घर से, 500 मीटर आगे चले और 500 मीटर बचा हुआ है। जैसे जैसे स्टेशन करीब होते गए ना, तो पहले मान के चलिए सिंगल लाइन रहता है, जैसे स्टेशन आएगा तो लाइन बढ़ जाता है, ज़्यादा होने लगता है। तो हम लोग भी लाइन चेंज किए, तो एक कुत्ता जो है बहुत देर से हम लोग का पीछे आ रहा था, अच्छा बहुत देर से पीछे चल रहा था। हम लोग ऐसे पीछे देख रहे हैं, मेरे मेरे मन में आया जैसे जैसे पीछे देख रहे कुत्ता गायब हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कुत्ता था। ये सब मेरा मन का नहीं, तीनों के साथ ऐसा हुआ, मतलब बाद में इसी का कंफर्मेशन किए आपने? हाँ, ऐसे पीछे कर रहे तो कुत्ता गायब हो जा रहा वहाँ से, लेकिन जब आगे चल रहे हैं तो कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है। एक बार मान के चलिए आपका भरम एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, एक इंसान को होगा, हर एक इंसान को बार बार एक ही सीन होता है। तो हम लोग पूरा डर गया है, तो हम लोग फिर वहाँ से किसी तरह घर आ गए। फिर हम अपने फाजी को बता दिया, सब सब है वहाँ पे, कुत्ता वगैरह इंसान सब हमेशा मरते रहता है, कट जाता है, जिस वजह से उन लोग का आत्मा इधर उधर भटक के रहता है। मतलब आपका मन, लोग आप लोग का मन का एक तरीके से वहाँ सोच सही था, बट दिखा नहीं कुछ आप लोगों को, खाली लग रहा है कि पीछे कुत्ता आ रहा है। अब हम आपको पुणे का बात बता रहे हैं, पुणे में थे, ठीक है, हम लोग मतलब स्टार्टिंग हम लोग कैंपस हुआ था, तो कुछ दिन तक पकड़े चलिए 1 महीने तक हम लोग जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को रूम दिलाया था, क्योंकि तो हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज को लेकर वहाँ पे दिक्कत था, हम लोग कुछ मराठी लैंग्वेज चलता है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर दिलाया था ना उसका लिंक था बिहार वाले से, बिहार वाला उसको जानता था, उसके थ्रू हम लोग उससे जाने, तो हम लोग को रूम दिलाया। और पुणे में जहाँ पर उस समय पर हम लोग थे पहाड़ी इलाका था बिल्कुल, तो हम लोग एक तरफ से एक खाई के जस्ट बगल में था, खोलते थे ना पूरा दूर दूर तक खाई, वैसे ही बगल में थे, और जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे पानी का कोई सुविधा नहीं। फिर सुबह टैंक आता था गाड़ी का,
वो जमीन में भर के जाता था, वही पानी आपको यूज करना है पीने के लिए, वो 20 लीटर वाला 20 लीटर दे के जाता था, नहाने बर्तन धोने के लिए वो जमीन के अंदर टंकी बना हुआ था उसमें भर के जाता था। वो पहाड़ी इलाका में ऊँचा ऊँचा था तो बारिश वारिश होते रहता था उधर, एक तरफ से समझ लेना जंगल में नहीं रहते उसने, और उस जंगल के बीच में हम लोग बस 6 लग रहा था। ये भी नहीं कि शहर में है तो ऐसा कुछ है, उस जंगल के बीच में 6 लग रहा तो फिर आ रहे हैं 2-4 दिन तक तो ठीक से रहे हैं, तो हम लोग कुछ रूम में लगने लगा डर जैसा। अचानक कोई उठ जा रहा है, अचानक किसी का भ्रम हो जा रहा है, कोई यहाँ पे था कोई वहाँ पे था, आवाज़। अब समझ लो इतना सुन जगह पे कैसे, हाँ मन भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है ना उस जगह पे खाली, मान ली जंगल में आप लोग 6 लोग हैं तो। अब हम लोग मान के चलिए जैसे रूम से बाहर निकल रहे हैं, बारिश वारिश हो रहा है, एक झलक के लिए लग रहा है वहाँ पे कोई था, फिर वहाँ से आया। ओ वैसा अब क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन मन में ऐसा आया कि नहीं जी वहाँ पे कुछ है। तो कितना दिन आप लोग रहे थे वहाँ पे वैसे? हम लोग समझिए वहाँ पे लगभग 26 से 27 दिन रहे। उतना ही दिन में हालत खराब हो गया? नहीं, उतना दिन में हालत खराब हो गया मतलब समझिए उस रूम का हम लोग के जाने से पहले बहुत 6-7 महीने पहले कोई रहता था, उस बीच में 6-7 महीने तक कोई नहीं रहा, फिर हम लोग गए उसमें तो थोड़ा सा हो जाता है। होता है जगह रहने पे बना, क्योंकि देखिए अगर भगवान है। हाँ तो बात सही है, तो बिलीव अगर आप करते हैं तो सब कुछ है फिर। अगर कहा गया अगर आत्मा है तो परमात्मा भी, हाँ आत्मा नहीं है तो परमात्मा, सही बात है। आत्मा नहीं है तो हम जीवित कैसे हैं? आत्मा है मतलब परमात्मा भी है, सही बात है। नहीं जेन्युइन बात है, सही बात है, यही बात है। भूत प्रेत तो कई साल देखते थे, भूत बात डरे भी था, अभी वो डर जाते हैं होता है कभी कभी लाइफ में से। हाँ अभी आपने भी डर, जो दिसंबर में गए थे वैसा तो हम नहीं डरे, लेकिन मन में जो है ना अगर सोचने के लिए बढ़ जाते थे, नहीं होता है और सब जान रहे हैं कि अकेले हैं डर लगेगा, लेकिन फिर भी अब दिमाग वहीं ऐसे नहीं हो जाता, एक कोई गड्ढा कर दीजिए छोटा सा उसमें जान रहे हैं गड्ढा करेंगे साला गिर जाएंगे या मेरा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक उंगली से ऐसे करते जाएंगे। वही चीज था, बात को बिना मतलब का खोद रहे खोदते खोदते साला अपने आप में डर जा रहे हैं। सही बात, आदि तो अपना स्टोरी बता दी, मतलब जो चीज मैंने पूछा आदि तो बहुत विस्तार है बता दी, और ऐसा गाइस कहानी आदि कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा बहुत बारी हुआ, तो ये चीज का डिस्कशन आगे गाइस करेंगे और भी वीडियोस में। तो फिलहाल गाइस क्या है कि अभी मुझे सब्जी काटना था थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया था, तो वो कटिंग भी मैंने नहीं की है क्योंकि आदि आ गए तो आदि से बातचीत में ही टाइम थोड़ा सा बीत गया। तो गाइस सच में अगर आदि के हिसाब से, जैसे आदि के हिसाब से नहीं सबके हिसाब से ये चीज़ है कि अगर सच में आत्मा परमात्मा जो है ये होता है गाइस, जो बिलीव नहीं करते हैं तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, बट साइंस ने भी माना है गाइस बिलीव करना पड़ेगा क्या आदि। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं और सब्जी जो काटना है मुझे उसकी कटिंग करते हैं। गाइस पूरा आधा घंटा लगा हम लोगों को सब्जी काटने में, और फाइनली गर्मी लगी तो गाइस मैंने टी शर्ट उतार दिया, तो फाइनली अभी हम लोगों का सब्जी कट चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं अभी, ये देखिए गाइस इतना सारा तोरी, इसमें आदि मेरा पूरा हेल्प करवाए कटवाने में, तो गाइस देख रहे कितना बारीक कटा, चलिए फाइनली कट गया अब बस ठीक लग रहा है। तो गाइस तोरी काटते काटते जैसे रात के 1 बज चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं सोने। गाइस की नींद भी आ रही है, आँखों में नींद भी दिख रही गाइस आपको, क्या गर्मी आज तो इतना ज़्यादा होगी कि नींद गाइस आ ही जाती क्या बताएं। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेकर बाय, गुड नाइट।